कान्हा जी, ये क्या हो गया? कान्हा जी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? रिकी के साथ ये लड़की कौन है? वो भी ये माला पहने और इतने अजीब से कपड़े पहने, कहीं इन दोनों ने शादी तो नहीं कर ली? नहीं। यस मदर इंडिया गोपी, आपने नहीं समझा, मैंने शादी कर ली है और ये है आपकी बहू समीरा रिकी मोदी। रिकी, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मोदी परिवार तुम्हारी इस नौटंकी वाली शादी और इस लड़की को स्वीकार कर लेंगे? दादी, आप भी ना हमेशा चीखती ही रहती हैं। अरे ये मेरी वाइफ है, तो प्लीज थोड़ा इज्जत से पेश आइए। एक बार फिर रिकी कुमार ने दिया अपने मोदी परिवार को शॉक, बिना कोई चिट्ठी बिना संदेश के अचानक कराया शादी और घर ले आया ये दुल्हन। जी हाँ, हमेशा की तरह साथिया में फिर से आ गया है नेल बाइटिंग ट्विस्ट। कहाँ रिकी कुमार को मोदी परिवार सुधारने में लगा हुआ था और कहाँ रिकी और भी बिगड़ कर आ गया, मतलब बिगड़ालो वाला काम करके आ गया। ना जाने किस लड़की को घर ले आया दुल्हन बनाकर। ये है मेरी गॉर्जियस सिज़लिंग हॉट वाइफ मिसेस समीरा रिकी मोदी। दोनों घर वाली हो गई हैं अब, और जब मैं इससे गुस्सा हो जाऊंगा तो मैं इसके पास चला जाऊंगा, जब इससे तो मैं वैसे गुस्सा रहता हूं, तो घूम कर इन दी एंड मुझे लगता है होने ही वाला है कि हम दोनों ने साथ में हो जाना है। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और जैसे कि उम्मीद थी, रिकी के घर आते ही हुआ जबरदस्त ड्रामा। ये शादी मुझे मंजूर नहीं है। अगर आपको मेरी शक्ल नहीं पसंद तो आज से आप अपने चेहरे पे घूंघट लगाते घर में आराम से घूम सकते। चुप, बदतमीज। पहले तो इनका लिबास देख लीजिए आप। Oh my God. दूसरा, ये ब्याह कर आई है तो इनकी बिंदी कहाँ है, नाक में नथ कहाँ है, मंगलसूत्र तो छुटकू सा पहन दिया है दिखावे का, और लिबास देखिए, सर पे पल्लू है, सुंदर से बाल खुले रख के यूं 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 करके आ गए, तो ये चाहते हैं कि हम यूं ही इनको एकदम से बहू आ गले लग ऐसे करें, तो ये कैसे हो सकता है? ये है सीता की अपोजिट समीरा, समीरा सीता, समीरा और बीच में है कोकिला। लेकिन रिकी की ये नई नवेली पत्नी भी कम नहीं है, कोकी और मोदी परिवार को दे रही है जबरदस्त चैलेंज। खुद तो आ गई है और साथ में दहेज में अपने इस कार्टून भाई को भी लेकर आई है। I'm so sorry दादी, लेकिन ये मजाक नहीं, हमने सच में शादी कर ली। अरे ये आरती नहीं, सीधे हम लोगों से ऐसे नृत्य करवा रही है। मतलब बैंड खुद ही बजा रही है और नृत्य हमसे करवा रही है, तो आरती का मौका ही नहीं दिया। और ये हमारी सीता द ग्रेट दौड़ दौड़ के आरती की थाल लेके आ रही है बिचारी। कोकी ने रिकी और समीरा को अपनाने से साफ मना कर दिया, लेकिन तभी दाई माँ ने ला दिया एक ट्विस्ट। देखिए कैसे बेहोशी का बहाना कर कोकी को इमोशनली ब्लैकमेल किया। कोकी के सामने हाथ जोड़कर रिकी को इस घर में आसरा देने के लिए कहा, फिर क्या था, फटाफट मोदी परिवार ने इमोशनल होकर अपना फैसला बदल दिया और समीरा और रिकी को दे दी इस घर में एंट्री। लेकिन ये लेटेस्ट वैम बहू समीरा ने गोपी को आरती उतारने नहीं दी, अपने भाई से आरती उतरवाई और खुद ही अपना गृह प्रवेश भी किया। मतलब आते ही समीरा ने घर में काफी उथल पुथल मचा दी है। अब मैं ले आया हूँ इन्हें, हमारी प्लानिंग्स है, प्लॉटिंग्स है, जो मैं हम दोनों तीनों मिलकर, एक्चुअली इसके एक भाई भी है, हम तीनों मिलकर मोदी परिवार को यहाँ से भगा कर उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर बहुत मजे से रहने वाले हैं। हम अपना यहाँ कोई रहने वहने नहीं आए, मोदी परिवार के साथ है, वेरी बोरिंग पीपल, एंड आई थिंक उनका प्लानिंग के अंदर एक प्लानिंग है। यस। बेचारे गोपी, ना चाहते हुए भी उसे समीरा और रिकी को आशीर्वाद देना पड़ रहा है। वैसे समीरा इस घर में एक खास मकसद से आई है, मोदी परिवार के कई दुश्मनों में से ये भी एक है। एक फोटो टंगी हुई मैंने आज ही वैसे देखी है अहम की, तो उनको देखा और बहुत ही गुस्सा आया,
अनीता जो थी वो है मेरी मॉम एंड अहम एंड अनीता यूज टू बी टुगेदर बिफोर गोपी सो अब मैं आई हूँ अपनी मॉम का बदला लेने और मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। वैसे इस पूरे ड्रामे में समीरा के दुल्हन वाले कपड़े काफी कमाल ढा रहे हैं। ऑब्वियसली अच्छी लग रही है और टोटा लग रही है। अच्छे तुझे भी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। पता नहीं क्या पहना दिया यहाँ पे डोरी बांध दी है। आगे जाके नहीं नहीं छाते भी मिलते हैं पहले से मॉनसून के लिए प्रिपरेशन है। हाँ दैट्स अ विक्टोरिया सीक्रेट। सीता सीक्रेट। तो चलिए देखते हैं कि मोदी हाउस में इन दो नमूनों की एंट्री क्या क्या ड्रामा दिखाती है। श्रुति बड़जातिया, मुंबई आज तक।